दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीना रॉय स्पेशल एपिसोड के बारे में कि जिस तरीके से पवनदीप को लेकर बाकी सारे जजेस का कमेंट होता है और जिस तरीके से बाकी कंटेस्टेंट परफॉर्म करते हैं उसमें क्या कुछ खास है और स्पेशली जो पवनदीप और अरुणिता का मूवमेंट होता है उसमें क्या कुछ नया है और साथ ही किस तरीके से पवनदीप को लेकर जजेस का बिहेवियर चेंज हुआ है और इसके पीछे क्या क्या वजह है। दोस्तों चलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहां तक मेरे पास न्यूज़ और अपडेट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से इंडियन आइडल का कल का एपिसोड यानी रीना रॉय स्पेशल एपिसोड हिट एपिसोड रहा है। और ये क्यों हिट रहा है इसके बारे में तो आप भी रीज़न जानते होंगे, चलिए नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पवनदीप को स्क्रीन प्रेजेंस मिला, दूसरी बात पवनदीप के गाने नहीं काटे गए, तीसरी बात जितने भी कंटेस्टेंट थे सबने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चौथी बात जो सबसे मेन सबसे बड़ी बात है और इंडियन आइडल के टीआरपी का एक बड़ा कारण है वो है पवनदीप और अरुणिता का डुएट। और उस डुएट के कारण ही कल का एपिसोड बहुत हिट गया क्योंकि बहुत समय के बाद लोगों के इतनी हाई डिमांड के बाद डुएट लाया गया पवनदीप और अरुणिता का। और उसमें जो स्पेशल मोमेंट आपको देखने को मिले, जैसे कि सबसे पहले जो खीर वाला मोमेंट था उसको आपने सही तरीके से एंजॉय किया, उसके बाद जो पवनदीप और अरुणिता के बाद जो अरुदीप वाला मोमेंट था, हालांकि उसमें अनु मलिक का एक कमेंट जो था मोती और सीप उसको काट लिया गया, एक छोटा सा बस अरुदीप वाला मोमेंट था, वो आपने डेफिनेटली इन्जॉय किया होगा। और अगर आप अरुदीप के फ़ैन हो तो डेफिनेटली आपको देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कंटेस्टेंट के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पवनदीप के बारे में। दोस्तों पवनदीप को कल बहुत अच्छा कमेंट मिला सारे जजेस से, जैसा कि हम पिछले हफ्ते से देखते आ रहे थे और आप लोगों ने भी मुझे मैसेज करके पूछा था कि पवनदीप के साथ बहुत पार्शियलिटी हो रही है, उसके गाने काटे जा रहे हैं, उसको एक अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा है जजेस के थ्रू और ना ही अच्छा कमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप कल के एपिसोड को देखोगे तो बहुत सप्ताह के बाद पवनदीप को तीनों जजेस का एक वैल्यूबल कमेंट मिला है। स्पेशली जो एचआर ने कमेंट किया डेफिनेटली वो बहुत ही बेहतर कमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि पवनदीप एक वर्सटाइल सिंगर है, जब वो गज़ल गाते हैं तो एकदम लगता है कि कोई गज़ल गायक एकदम भारी आवाज़ है, जब वो मेलोडी गाते हैं तो मेलोडी और जब वो क्लासिकल गाते हैं तो क्लासिकल। सो डेफिनेटली एचआर का कमेंट तो हर वक्त काफ़ी मोटिवेट करने वाला होता है। अब बात करते हैं हम सोनू कक्कर के बारे में, जो जजेस पैनल का एक हिस्सा है, उन्होंने भी कल पवनदीप को काफ़ी एनकरेज किया। अगर पवनदीप के टोटल परफॉर्मेंस को देखें तो सोनू कक्कर को काफ़ी दिखाया गया है कल के एपिसोड में। अब इसका रीज़न क्या है, हो सकता है कि ये फ़ैन या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है कि पवनदीप के साथ पार्शियलिटी हो रहा है, ये जजेस है, इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इसको लेकर भी दिखाया जा सकता है। लेकिन कल सोनू कक्कर का कमेंट मुझे कोई दबाव वाला कमेंट नहीं बल्कि दिल से कमेंट लगा और इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कल सोनू कक्कर का भी रिएक्शन पवनदीप को लेकर बहुत अच्छा था, कमेंट भी बहुत अच्छा था। हालांकि जब पवनदीप गाना गाए उस वक्त अनु मलिक तो कमेंट नहीं किए, लेकिन जब पवनदीप और अरुणिता का डुएट था और डुएट को क्या मज़ेदार तरीके से निभाया दोनों, क्योंकि ये जो डुएट है ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, लेकिन इसमें मेल और फीमेल का वॉइस मिलना, इन दोनों का ओवरलैप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक जगह भी छूटा तो गलती हो सकती है, गाना खराब हो सकता है। और पवनदीप अरुणिता ने जिस तरीके से निभाया और जिस तरीके से कमेंट किया अनु मलिक ने और नज़र उतारी अरुणिता का रीना रॉय मैम ने, ये बहुत ही बेहतर था। मतलब कल के एपिसोड में अगर आप देखो तो पिछले कई हफ्तों से जो आपको पार्शियलिटी दिख रही थी, पिछले कई हफ्तों से आपको लग रहा था कि पवन का स्क्रीन प्रेजेंस काटा जा रहा है या फिर पवन को नीचा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कल के एपिसोड में कम देखने को मिला। और इस बात से डेफिनेटली आप लोग भी एग्री करते हो क्योंकि मुझे मैसेजेस ऐसे देखने को मिले हैं। बाकी अगर हम बात करें अदर कंटेस्टेंट के बारे में तो अरुणिता ने तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया सीसा हो या दिल हो, और उसको एक अच्छा कमेंट एक अच्छा रिमार्क देखने को मिला। निहाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो निहाल ने बहुत ज़्यादा अपने गायकी को इंक्रीज़ किया है, अपने गायकी को बहुत ज़्यादा बढ़िया किया है। अगर आप पहले के निहाल को देखो और अब के निहाल को देखो तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से निहाल का गाने के बीच में हरकत होता है वो भी बहुत बेहतर होता है। और साइली, दानिश, शनमुख प्रिया डेफिनेटली सब ने काफ़ी रॉकिंग परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा मेलोडियस परफॉर्मेंस दिया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।